अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप घर में बना सकते हैं डोनट्स, जो कि बच्चों के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं, तो आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनको बना सकते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको डोनट्स बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने ईस्ट दे दी, 2 चम्मच मैंने चीनी ले ली, आधा कप मैंने दूध दे दिया। इसमें हम ईस्ट और चीनी को इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। दूसरी तरफ मैंने जो है 1.5 कप तक मैदा ले लिया और इसको तकरीबन 3 से 4 बार मैंने छान लिए अच्छी तरह से। इसके बाद 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिए। अच्छी तरह से पहले ऑयल को इसमें मिक्स करेंगे, आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से ऐसे आप लोगों ने मिक्स करना है ऑयल को इसमें। इसके बाद वही जो हम लोगों ने ईस्ट, दूध और चीनी मिक्स की थी वो डालते जाएंगे और इसे गूंदते जाएंगे। इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गूंदना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह से डो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब मैं इसको निकालूंगी। एक बाउल में मैंने इसको निकाल लिया और 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। दूसरी तरफ जो है मैं चॉकलेट्स दे दूंगी, इनको मेल्ट करेंगे। कोई भी आप चॉकलेट्स दे सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि बिस्किट के बगैर वाली चॉकलेट्स हों ऐसे, और इनको ऐसे छोटा छोटा ऐसे तोड़ दें। तमाम चॉकलेट्स को मैंने तोड़ लिया है। अब मैं जो है तवा रख दिया और हल्की आंच पे इसको मेल्ट करेंगे। 1 मिनट में ये मेल्ट हो जाएंगे। चॉकलेट हमारी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मिल्क पाउडर को मिक्स करेंगे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा इससे। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। दूसरी तरफ जो है 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं डो हमारी काफ़ी फूल चुकी है। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको हम अच्छी तरह से दोबारा से इसको गूंद लेंगे। ऐसे आप लोगों ने इसको गूंद लेना है और इसका पेड़ा बना के रोटी की तरह इसको बेल लेना है। बहुत अच्छी तरह से पहले आप लोगों ने इसको गूंदना है, उसके बाद आप लोगों ने इसका पेड़ा तैयार करना है ऐसे, ठीक है। अब मैंने पेड़ा बना लिया, अब रोटी की तरह इसको बेलेंगे बहुत अच्छी तरह से। इसको मैं बेलती हूँ रोटी की तरह, मैंने इसको बेल लिया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब हम डोनट्स की कटिंग करेंगे। कोई भी आप गोल चीज़ ले लें, अगर गिलास हो तो गिलास ऐसे, और इससे इसको कट करेंगे ऐसे, ठीक है। और कोई भी आप लोगों के पास अगर कोई ढक्कन हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो गोल, इसको लेंगे और दरमियान में ऐसे कट करेंगे डोनट्स की शेप देने के लिए, ठीक है। और ये दरमियान से निकाल देंगे ऐसे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऐसे आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है और एक ट्रे में रख देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 10 मिनट के लिए मैं इनको रख दूँगी, चाहे आप कवर करके रखें या ऐसे रख दें, 10 मिनट के लिए आप लोग इसको रख दें, उसके बाद फिर हम इनका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 10 मिनट हो चुके हैं, तमाम डोनट्स हमारे राइस हो चुके हैं। अब जो है मैंने एक पैन में ऑयल दे दिया, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं शैलो फ्राई करूँगी, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आप लोगों ने इसको ऐसे डालना है, ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, कलर चेंज होने तक पकाते हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। ये कलर अगर आपको चाहिए तो इस कलर में करें, या आप लोगों को अगर ज़्यादा गहरा कलर नहीं चाहिए तो इसको जल्दी से पलट दें ऐसे, ठीक है। तमाम मैंने फ्राई कर लिए। अब जो है मैंने चॉकलेट में एक डोनट्स को डिप किया और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी नारियल, ठीक है। नारियल डाल देंगे ऐसे, माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं तमाम डोनट्स हमारे तैयार हो चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से।
आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।